और इस बीच बड़ी खबर झारखंड के सियासत से सामने आ रही है। लोबिन हेम्ब्रम से जुड़ी ये बड़ी खबर है। लोबिन हेम्ब्रम के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर जल्द लग सकता है विराम। आपको बता दें कि लोबिन हेम्ब्रम फिलहाल रांची स्थित अपने आवास पर ही हैं और आज बीजेपी में शामिल होने और सदस्यता लेने पर बन सकती है सहमति। तो लोबिन हेम्ब्रम ने न्यूज 18 को फोन पर इस बात की जानकारी दी है। लोबिन हेम्ब्रम से जुड़ी आपको ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां लोबिन हेम्ब्रम के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर अब जल्द ही विराम लग सकता है। जल्द वो सब कुछ साफ कर सकते हैं कि अब उनका अगला रुख क्या होने वाला है। लोबिन हेम्ब्रम फिलहाल अभी अपने रांची स्थित घर पर ही मौजूद है और आज बीजेपी में शामिल होने और सदस्यता लेने पर उनकी सहमति भी बन सकती है। कई दिनों से ये खबरें चल रही थी कि लोबिन हेम्ब्रम बीजेपी में शामिल होंगे। हालांकि वो जेएमएम के काफी दिग्गज नेता पहले से माने जाते रहे हैं, लेकिन उन्होंने जेएमएम से बगावत की और अब वो बीजेपी में शामिल होंगे। इस पर आज सहमति बन सकती है। वो सदस्यता को लेकर के जो भी बातें हैं वो अब क्लियर कर सकते हैं और न्यूज 18 को उन्होंने फोन पर इसकी जानकारी दी है। न्यूज 18 के संवाददाता पवन राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ फिलहाल जानकारी, क्या कुछ अपडेट? जी, आपको बता दें कि लोबिन हेम्ब्रम से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल वो रांची स्थित अपने आवास पर हैं, लेकिन फिलहाल जो बातें सामने आ रही थी कि बीजेपी शामिल होंगे और इस तमाम अटकलों पर जो है उन्होंने कहा है कि बहुत जल्दी इस पर जो है विराम लग सकता है, क्योंकि आज शाम तक जो है इस पे जो है शामिल होने में को लेकर जो है बहुत जल्दी सहमति बन सकती है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अब जो है ये अटकलों पर जो है बहुत जल्द विराम लग सकता है, क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि आज उनकी बात जो है चंपई सोरेन से भी हुई है और वो कोलकाता से दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और वहां पर कई बड़े नेता जो है बीजेपी से उनसे वो मुलाकात करेंगे और साथ ही पार्टी में शामिल होने के साथ साथ आगे की क्या रणनीति होगी इस पर भी चर्चा होगी। तो कह सकते हैं कि आज शाम को जो है एक बड़ा जो है फैसला जो है इस पर आ सकता है, इन लोगों के बीच सहमति वो बन सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी के लिए।